भागवत पुराण एकादश स्कंध तीसरा अध्याय माया माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। भागवत पुराण एकादश स्कंध तीसरा अध्याय माया माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करते हैं, अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगेश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ, संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है, आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है, इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता, आप कृपया और कहिए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उनके कार्यों के द्वारा ही उनका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद पांच इंद्रियां तथा पांच कर्मेंद्रियां इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है तथा इन पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है, यह भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करके करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है, यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है, यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है, यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती, प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं, यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे
लपटे पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड यह भग राजन उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होता है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्तत्व में लीन हो जाता है। महत्तत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं और जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु रूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले
तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? इस प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रा छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्म का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन हो तो होता ही है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन तो होता ही है। उनका नाश निश्चित है। नश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। नाश का भय वहाँ भी छूट नहीं पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासुओं को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। उनकी निष्कपटा जिज्ञासुओं को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी जल आदि से ब्रह्म शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और बहुत वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा ना करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर ना जाने देना सीखे। राजन भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना
तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में ही भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं खिलखिला कर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं, कभी मानो उन्हें सुना रहे हो। इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन जो इस प्रकार भगवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न जागृत और सुसुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और ना जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में
ना तो मन की गति है और ना वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उनके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों शब्द भी वह यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जिसने जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लिखा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किस में है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे, निषेध की ही सिद्धि ना हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रजतम मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्तत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाशक के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शांति, ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है, सब का सब कुछ ब्रह्म है। इसके इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है। वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के कारण रूप में ही क्यों ना हो, जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता की वह साक्षी हैं, सब में है, देश काल और वस्तु में अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य, धरती फोड़ कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सब जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात के पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही
अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रता शीघ्र परम नैष्कर्म अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर ना दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर अविहोत्र जी ने कहा, राजन कर्म शास्त्र विहित अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषीय है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनकी तात्पर्य का निश्चय करना भी बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्षवादात्मक है जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्य कुछ और हो, उसे परोक्षवाद कहते हैं। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनाभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्म की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करें। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करें, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखें। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करें। तत्पश्चात विधिपूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें।
पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल कर पृथ्वी को समार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के छालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्थ आदि पात्रों को स्थापित करें। तदंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। तदंतर हृदय सिर शिखा हृदया हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षर के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजा करें तथा फिर स्त्रोतों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।